नमस्कार साथियों, नीट परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी हमारे छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि नीट परीक्षा से संबंधित जितनी भी अपडेट आती है आप सभी को सबसे पहले अपडेट की जाती है। गूगल पर जाकर सर्च करें नीट हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग नीट हिंदी प्रो सर्च करेंगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप लोग ओपन कर लेना। आज काफ़ी बड़ी अपडेट उन सभी छात्रों के लिए जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लगातार बीते एक हफ्ते से काफ़ी समय से यहाँ पे छात्र जो है नीट परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहे थे। आपको बता दें काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। नीट परीक्षा की जो परीक्षा केंद्रों की लिस्ट है, आपके एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट, वो भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी अब जारी होने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि नीट परीक्षा 2024 के जितने भी छात्र हैं लगातार यहाँ पे नीट को आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पे जो है मांग कर रहे हैं। आपको बता दें नीट परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे जो है खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी कारण नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी परेशान हैं कि वो वोट डालने जाएं या पेपर देने जाएं। ऐसे में कई सारे छात्रों का ये कंसर्न बताया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है हमारे जितने भी छात्र हैं। आपको बता दें कई सारी परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी प्री, इनका एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है। और साथ ही साथ सीयूईटी यूजी का भी एग्ज़ाम आगे बढ़ाया जा चुका है। नीट एग्ज़ाम पर भी खतरा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक नीट एग्ज़ाम 2024 के पोस्टपोनमेंट को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए आज काफ़ी बड़ी अपडेट मीडिया रिपोर्ट से यहाँ पे निकल के सामने आई। आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आप सभी को बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें।